कैसे हैं आप सब? डेफिनेटली बहुत बढ़िया होंगे, और अगर आप बढ़िया महसूस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज मेरा ये मैसेज सुन के आप बढ़िया महसूस करेंगे। मैं आज आपको लाइफ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाली हूँ। सीरियसली, आपके पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 साल का वक्त है। आप कहेंगे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अभी अभी एक स्टडी पढ़ा था जिसमें एक बात एवरेज प्रूव की गई कि इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 7 साल का वक्त होता है। कैसे? नॉर्मली जब इंसान होते हैं उसकी एवरेज लाइफ मान लो तो 75 ईयर्स की आप ले सकते हैं। 75 ईयर्स की जिंदगी में हमारा समय कहाँ कहाँ चला जाता है उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक नॉर्मल इंसान एवरेज रात की 8 घंटे की नींद लेता है, राइट? अब 365 × 8 करेंगे तो दैट इज 2920, यानी साल के 121 डेज तो आपके सोने में ही चले गए। और पूरी लाइफ स्पैन में उसको कंपेयर किया जाए तो हमारे जिंदगी के 25 ईयर्स सोने में ही चले जाते हैं, यानी बचे सिर्फ 50 साल। इस 50 साल के अंदर एवरेज इंसान दिन के 4 घंटे के आसपास मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ऐसी चीजों पे बिताता है, यानी कम हो गए हमारे जिंदगी में से और 12 साल, तो बचे 38 ईयर्स। इस 38 ईयर्स के अंदर आपका स्कूलिंग एंड आपका वर्किंग जो ले लेता है आपकी जिंदगी के और 14 साल, यानी आपके पास बचे हैं सिर्फ 24 ईयर्स। इस 24 ईयर्स के अंदर भी एवरेज आपका हर रोज का खाना पीना, खाना पकाना ऐसी एक्टिविटीज ले लेती है 6 साल, 6 ईयर्स, यानी बचे 18 साल। और इन बचे 18 साल के अंदर आपका नहाना, तैयार होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ऐसे बहुत सारे कामों का अगर टाइम मिलाया जाए तो आपके चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स। सो फाइनली यू आर ओनली रिमेन विथ 7 ईयर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस जानकारी को पाने के बाद अपने जीवन का एक भी मोमेंट खुश रहे बगैर गवा सकता है। और आप जानते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे मोमेंट्स चले गए हैं। सो पता नहीं कितना कम समय हमारे हाथ में बचा है, तो क्यों हम छोटी छोटी बातों पे फोकस करते हैं, क्यों हम उदास होते हैं, क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों हम डिप्रेस होते हैं, क्यों हम कंप्लेन करते हैं? हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी गंवाने को। Why don't we sing, laugh, dance, run and travel freely? आप कितने बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, आप कितने खुश रह सकते हैं, क्यों समाज के बंधनों में अपने आप को बांध के हम जिंदगी जीना भूल गए हैं? आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जीवन बहुत कीमती है, उसे जीना शुरू कर दो। पता नहीं जितना भी वक्त बचा हो एक एक मोमेंट को जिंदगी में इंजॉय करना शुरू करो। जिंदगी को जीना मतलब हर छोटी छोटी चीजों में मजा उठाना। याद करो कब आपने लास्ट अपने खाने के टेस्ट को इंजॉय किया था। जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे हाथ में चॉकलेट आ जाती थी हम कितना मजा लेते थे, और आज तो भागा दौड़ी की लाइफ में जिस तरह से खा रहे हैं, हमने क्या खाया शायद हमको वो भी पता नहीं होता। तो कब आपने अपने खाने के टेस्ट को इंजॉय किया? कब आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज को इंजॉय किया था? कई बार हम एक्टिविटीज़ को करते हैं पर मन में ये भावना से कि मुझे ये करना पड़ रहा है, बट अगर उसका एटीट्यूड बदल के उसको एंजॉय करना हम शुरू करें तो कब आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में मज़ा लिया था? कब आपने छोटे बच्चों के साथ बच्चे बन के खेला था? लास्ट आपकी आंखों में खुशियों के आंसू कब आए थे? कब आपने एंथुजियास्टिक होके या पागलों की तरह लास्ट बार डांस किया था? कब अपने दोस्तों के साथ गला फाड़ फाड़ के बेसुरे गाने गाए थे? कब आप खुल के हंसे थे? कब आपने इस नेचर को एंजॉय किया था? आखिरी सनराइज या आखिरी सनसेट आपने कब देखा था? वो झरनों की कलकल बहती हुई आवाज या उस समुंदर की लहरों की आवाज को कब महसूस किया था? कब आपने इस सुंदर सृष्टि के लिए उस कुदरत को धन्यवाद कहा था? कब आपने ठंडी ठंडी इस हवा का स्पर्श
महसूस किया था। सो दोस्तों, यही तो जीवन है। एंड फील यू आर अलाइव, स्टिल अलाइव, यानी कि ये कुदरत का गिफ्ट आपके हाथ में है दोस्तों। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, मरना तो सभी को है पर लोग हर रोज मरते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जीना शुरू करो, एटलीस्ट मरो नहीं तब तक तो जियो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो ज़रूर याद रखिएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जब मैं उनका जीवन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों की हालत क्या है। तो कुछ लोग खा खा के मरते हैं, कुछ लोग पी पी के मरते हैं, कुछ लोग कमा कमा के मरते हैं, यानी कुछ लोग आलतू फालतू खाते हैं, हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं, बीमार पड़ते हैं, पीना यानी बैड हैबिट्स के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और कमाना मतलब इतना स्ट्रेस लेते हैं कि लगता है कि शायद वो जीवन जी ही नहीं रहे। तो कुछ लोग खा खा के मरते हैं, कुछ लोग पी पी के मरते हैं, कुछ लोग कमा कमा के मरते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो जी जी के मरते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जरा चेक कीजिएगा। थैंक यू।